दोस्तों कहते हैं ना कि यदि आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा। यानी कि मार्केट में जो भी खबर निकल कर आ रही है, अगर आप उस खबर से अपडेटेड हैं तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट की अगली चाल क्या होगी उसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अभी के टाइम पर मार्केट से रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर आ रही है और कल के दिन मार्केट आपको किस प्रकार से खुलते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज के दिन टोटल 4 से 5 बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर 2 से 3 पॉजिटिव न्यूज है और 2 नेगेटिव न्यूज है। तो कल के दिन निफ्टी कहां खुलेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FII और DII की एक्टिविटी के ऊपर। फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट से काफी बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। यानी कि आज की बात करें तो आज के दिन भी FII ने मार्केट से लगभग 2400 करोड़ रुपए की बड़ी बिकवाली करी है। उसी के सामने अगर DII की बात करें तो DII ने यहां पर 1948 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। यानी कि आज के दिन भी DII के से भी ज्यादा भारी हमें FII ही देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन हमें निफ्टी के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिला है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के अंदर भी आज के दिन हमें काफी अच्छे करेक्शंस देखने को मिले हैं। लेकिन उसी के बाद में निफ्टी बैंक ने काफी अच्छी रिकवरी भी दिखाई और यहां पर जो क्लोजिंग निकल कर आई है निफ्टी बैंक की, वो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो बात करें कि कल के दिन बाजार कैसे रहने वाला है, तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ जोन्स हमें पूरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग आज के दिन भी हमें 450 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक के अंदर भी हमें लगभग 3 से 3.25% तक की गिरावट अभी तक ऑन मार्केट में देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है और ये स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनकी तरफ से हर एक कॉमेंट्री के ऊपर मार्केट आपको रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ चाइना और ताइवान से भी जो न्यूज निकल कर आ रही है वो भी ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट कर रही है। इस कारण से अगर आप यूरोपियन स्टॉक मार्केट के भी हाल देखेंगे तो वहां भी हाल अच्छे नहीं है। यूरोपियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 1.5% तक हमें डेक्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के लिए, इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए जो इंपोर्टेंट न्यूज है, जो इंपोर्टेंट अपडेट्स है, वो है बॉन्ड यील्ड की तरफ से। अगर बॉन्ड यील्ड की तरफ नजर मारें तो यहां पर हमें लगभग 2.5 से 2.75% की गिरावट यूएस 30-ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर, यूएस 10-ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 0.25% की बड़ी गिरावट, यूएस 2-ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर लगभग 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बाजार के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। यानी कि अगर आज की रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर यूएस 10-ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर इसी प्रकार की गिरावट रहती है तो कल हमें मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अदर बॉन्ड यील्ड की एक्टिविटी के ऊपर भी आप नजर मारेंगे, जहां पर कनाडा 10-ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन यहां पर हमें गैप डाउन ही देखने को मिल रहा है। ब्राजील 10-ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर भी हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है। जर्मनी 10-ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 0.6% की गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रांस की बात करें वहां पर भी 3.5% की गिरावट है। यूके 10-ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर भी लगभग 5.25% की गिरावट है। अगर बॉन्ड यील्ड के अंदर इसी प्रकार से गिरावट रहती है तो वो हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। वहीं अगर बात करें रिस्की ट्रेडिंग की, यानी कि क्रिप्टो की बात करें, तो क्रिप्टो के अंदर भी हमें काफी बड़ी फॉलिंग देखने को मिल रही है। यानी कि बिटकॉइन के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 5 से 5.25% की बड़ी गिरावट हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रही है। इथरम की बात करें तो वहां पर भी हमें 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कार्डानो की बात करें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 9.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल क्रिप्टो के अंदर भी बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। वहीं मार्केट के लिए एक और पॉजिटिव अपडेट है कि डॉलर इंडेक्स अभी भी वीक बने हुए हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कल के दिन हमें डॉलर इंडेक्स 102 डॉलर के अप्रोक्स ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे थे, जो कि आज के दिन हमें 101.82 डॉलर पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स वीक होते हैं तो वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बात करें कि कल के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है, तो कल के दिन मार्केट आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस कारण से यहां पर आपको मार्केट के ऊपर हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर बनाए रखनी है और यहां पर जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज
ग्लोबल मार्केट से निकल कर आती है या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड निकल कर आती है, तो वो आपको रियल टाइम बेसिस पर, यानी कि जैसे ही न्यूज़ निकल कर आती है वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल से अपडेट करी जा रही है। साथ ही साथ मार्केट के ओपन होने के पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स भी आपको बताए जा रहे हैं, जिनका बेनिफिट उठाकर आप काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करें निफ्टी के लिए क्या लेवल्स कल के दिन इंपोर्टेंट रहेंगे, जो निफ्टी के लिए इंपोर्टेंट लेवल्स यहां पर रहने वाले हैं, यानी कि अगर गैप डाउन अगर कल होता है तो 16,116 के अगर नीचे अगर निफ्टी खुलता है तब हम यहां पर पुट लेंगे, और 16,080 तक अगर यहां पर निफ्टी जाता है, अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पर हमें एक बड़ी फॉलिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर हमें 16,000 तक भी निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर दी है। 5 मिनट्स की कैंडल स्टिक चार्ट्स के ऊपर आप ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, तो 16,240 रुपए का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर रहने वाला है। अगर 16,240 के ऊपर कल मार्केट खुलता है तभी जाकर हम यहां पर कॉल लेने के बारे में सोचेंगे। हालांकि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है कल के दिन भी, यानी कि साइडवेज ट्रेंड में ही मार्केट आपको देखने को मिलेगा। पहले अपवर्ड अगर ट्रेंड बनाता भी है तो अगेन हमें मार्केट वहां से सेकेंड सेशन में रिवर्स होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी यहां पर 5 मिनट्स के कैंडल स्टिक चार्ट पर मैंने आपके लिए जो ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है उसी ट्रेड लाइन में कल के दिन आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 34,790 रुपए का रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बार मार्केट हमें यहीं से रिवर्ट होते हुए देखने को मिला है। तो साइकोलॉजिकल 34,800 रुपए का लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी यहां से एक गैप अप ओपनिंग बनाता है तब जाकर हमें यहां पर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर भी हम 34,200 रुपए के लेवल्स को ध्यान में रखेंगे। अगर 34,200 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब हम यहां पर पुट लेने वाले हैं। नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो 34,000 का रहेगा। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं और मार्केट में काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते हैं। प्राइस एक्शन स्टॉक्स भी कल के दिन आपको टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यदि आप इंट्राडे सेशन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राइस एक्शन स्टॉक्स का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अप स्टॉक जैसे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।